मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अब ये आंख खुलेगी और ख्वाब खत्म हो जाएगा, मगर वह सब सच था। घर, बंगला, गाड़ी, पैसा सब देखकर मुझ में बहुत ही घमंड सा आ गया था। मैं अकड़ अकड़ कर चल रही थी। शायद मेरी यही अकड़ और घमंड ऊपर वाले को पसंद नहीं आई और मैं मुंह के बल गिर गई थी। और जब मेरी आंख खुली, बहुत देर हो चुकी थी। वक्त हाथों से फिसल चुका था। रेत की दीवार की तरह मेरे ख्वाबों का महल जमीन में गड़ गया था। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। मैंने भी चमकती हुई चीज को सोना समझ लिया था, मगर वह तो पत्थर निकला था। शादी के कुछ ही वक्त बाद मुझे अंदाजा हो चुका था कि विकास शराब पीता है और जुए जैसी बुरी लत में पड़ चुका है। मैं अपने पति के शराब पीने की आदत से बहुत ज्यादा तंग थी। मुझे शराब की बदबू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैं इसे रोकती थी कि शराब मत पियो, मगर बाद में मुझे पता चला शराब इतनी खतरनाक चीज नहीं जितना ये जुआ है। विकास के पास बहुत पैसा था, दौलत थी, घर, गाड़ी, मगर इस जुए की वजह से वे अपना सब कुछ खो बैठे थे। विकास का कोई भाई नहीं था। वे अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और इसकी दो बहनें थी जो शादीशुदा थी और अपने घरों में अपने पति और बच्चों के साथ खुश थी। विकास के माँ बाप का देहांत हो गया था तो इसे खुली छूट मिल गई। जब तक इसके माँ बाप जिंदा थे, इस पर रोक टोक रखते थे, इसे समझते थे, लेकिन विकास को उनका समझाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वे उनसे भी लड़ता था। विकास के माँ बाप अपने इकलौते बेटे की हालत देखकर बहुत उदास होते थे। वे दोनों हर वक्त उदास रहते थे और रोते रहते थे। ये गम दोनों को अंदर से दिमाग की तरह चाट गया और वे लोग ये दुनिया छोड़कर चले गए। मगर मैं जिंदा थी और ये सब झेल रही थी और बर्दाश्त कर रही थी। न जाने मेरी किस्मत में और क्या क्या देखना लिखा था, लेकिन ये मेरा अपना फैसला था, इसलिए मैं किसी को इल्जाम भी नहीं दे सकती थी। हर वक्त दुआएं करती रहती थी कि विकास रास्ते पर आ जाए। रोज दुआ करती थी, लेकिन शायद मेरी दुआओं में कोई असर नहीं था। रोज कोई ना कोई चीज जुए में हारा करता था। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। अब मैं विकास को छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि हमारी पसंद की शादी थी। अब मुझे हर हाल में मजबूरी में ये रिश्ता निभाना था। विकास की जुआ खेलने की वजह से हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी थी, यहाँ तक के घर का सामान भी बेच दिया था। मगर फिर भी मुझे उम्मीद थी कि शायद विकास कभी सुधर जाएगा, मगर ये सिर्फ मेरा वहम था। सब कुछ लुटाने के बाद विकास के पास ऐसी कोई कीमती चीज नहीं बची थी कि जिसे वह जुए में लुटाए, इसलिए वह मुझे जुए में हार गया। इसने अपने घर में मौजूद चीजों की तरह मुझे भी जुए में बेच दिया। मैं बहुत तकलीफ में थी। मेरा सोचना बिल्कुल गलत निकला था। अब मेरे दिल में इस दूसरे गरीब लड़की अरुण का ख्याल आता मुझे लग रहा था। मुझे इसकी बद्दुआ लगी है। विकास से अच्छा था मैं इस गरीब लड़के से शादी करती, मगर मेरी बदकिस्मती थी जो मैं पैसे के पीछे अपना नुकसान कर गई। यही इसकी सजा थी। कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। वह लोग जबरदस्ती मुझे अपने साथ गाड़ी में लेकर जा रहे थे। मैं उन लोगों की मिनंते कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मगर वे लोग मेरे कहे में नहीं आए थे। मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। न जाने मेरे साथ क्या होने वाला था। न जाने मैं किस दरिदे के हाथ लगी थी। वे मेरा क्या हश्र करता, ये सोच कर ही मुझे हौल उठ रही थी। मगर जब मुझे अंदर ले जाया गया, अंदर जो शख्स खड़ा हुआ था, इसको देखकर मैं हैरान परेशान रह गई। वह कोई और नहीं, मेरे कॉलेज का लड़का अरुण था। अरुण को देखकर कुछ देर तक तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। अगले ही पल मुझे ख्याल आया कि ये यहाँ इतने बड़े और शानदार घर में क्या कर रहा है। तभी अरुण मुझे हैरान देखकर बोल पड़ा, तुम क्या देख रही हो, यही सोच रही होगी ना कि मुझ जैसा गरीब इंसान इतने बड़े बंगले में क्या कर रहा है। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बंगला किसी और का नहीं, मेरा है। और ये जिस गाड़ी में तुम बैठकर यहाँ आई हो, वे गाड़ी भी मेरी है। और ये सारे गाड़ास तुम्हें नजर आ रहे है, ये सब मेरे है। यह सब मैंने अपनी मेहनत और बलबूते पर कमाया है।
तुम चाहती तो और थोड़ा सा सब्र करती तो यह सब तुम्हारा मुकद्दर हो सकता था, मगर तुमने मेरी सच्ची मोहब्बत की कदर नहीं की और विकास की नकली चमक दमक से इम्प्रेस हो गई। तुमने गरीब समझकर मेरी मोहब्बत को ठुकराया। तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन ठुकराए जाने का सदमा बहुत बड़ा होता है। तुमने जब विकास से शादी की तो मुझे बहुत गहरा सदमा लगा था। मैं बहुत दुखी था और मेरे दिल में हर वक्त यही ख्याल आता था कि सिर्फ पैसे की वजह से तुमने मुझे ठुकरा दिया और विकास से शादी की। अगर मेरे पास पैसा होता तो तुम यकीनन मुझसे ही शादी करती। तुम जैसी लड़कियों की नज़र में पैसा ही सब कुछ होता है। अब तुम मुझे बताओ वे पैसे कहाँ गए जिसे देखकर तुमने विकास से शादी की थी, और आज तुम इस हाल में हो कि विकास तुम्हें जुए में हार चुका है और जिसके पास उसने तुमको हारे है वह और कोई नहीं बल्कि मैं ही। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था, मैं बस खाली आँखों से अरुण को देखते जा रही थी। मेरे पास कुछ बोलने को रह ही नहीं गया था। अरुण के एक एक लफ्ज सही थे, वह सच बोल रहा था। पैसे की वजह से मैंने विकास से शादी की थी, लेकिन पैसा तो विकास ने अपने हाथों से ही गवा दिया था। अब वह मेरी इज्जत भी दांव पर लगा चुका था, मगर मुझे हैरत इस बात पर नहीं थी कि विकास मुझे जुए में हार बैठा था। मेरे दिल में ये ख्याल शुरू से था कि कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है कि विकास मुझे भी जुए में हार जाए और मेरी इज्जत के साथ, मगर हैरत मुझे इस बात पर थी कि अरुण जुआ खेलता था। अरुण शायद मेरी आंखों में इस सवाल को पढ़ चुका था, इसलिए वह बोला, तुम्हें ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं जुआ नहीं खेलता हूँ, मैं ऐसे गलत काम नहीं करता हूँ। तुमने जब मुझे ठुकरा दिया तो मैंने बहुत ही मेहनत की और ये तुम्हारे ठुकराने का ही नतीजा है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुँच गया हूँ। मैं इतना पत्थर दिल हो गया था कि ये मुल्क छोड़कर अफ्रीका चला गया था। वहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की और पैसा कमाया। जब मैं अफ्रीका से वापस आया तब मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि विकास बुरी तरह से जुए की लत में गिरफ्तार हो चुका था और इसने अपना सब कुछ बेच दिया है। तब मुझे तुम्हारा ख्याल आया। मैं देखना चाहता था कि तुम किस हाल में हो। मुझे विकास का भी बहुत दुख हुआ कि वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठा जुए के पीछे और अपने साथ तुम्हारी भी जिंदगी खराब की। इत्तेफाक से उस दिन मुझे विकास का पता चला कि वह इस जगह बैठा हुआ है, तो मैं इसके पीछे चला गया, इसके सामने अजनबी की तरह बैठ गया और वह नशे की हालत में इस कदर दुखी था कि मुझे पहचान ही नहीं सका। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलना चाहता हूँ और मेरे साथ खेलने लगा और वह हार गया। जब मैंने इससे कहा कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है, तब उसने कहा कि मेरी बीबी घर में है, मैं इसको बेचता हूँ, आप इसे ले जाए। मुझे जब गुस्सा आया, विकास अपने होश हवास में नहीं था, वे जुए के पीछे इतना अंधा हो गया था, इसे अपनी इज्जत और गलत कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे विकास पर बहुत गुस्सा आया। मैंने फौरन अपने आदमियों को कहा कि इसके साथ जाओ और इसकी बीबी को ले आओ, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर आज मैं तुमको इधर नहीं मंगवाऊंगा तो वे कल किसी और के साथ जुआ खेलकर तुमको बेच देगा और वे लोग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम चाहो तो अपने माँ बाप के घर वापस जा सकती हो, मगर मैं तुम्हें विकास के साथ हरगिज जाने नहीं दूंगा। माना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब वह जज्बात नहीं रहे, मगर फिर भी मैं नहीं चाहता कोई भी औरत इस तरह अपनी इज्जत गवाए। इसकी हर बात मुझे हैरान कर रही थी, मेरे होंठ हिलाने से नहीं हिल रहे थे, मुझसे एक लफ्ज बोला नहीं जा रहा था, शायद मेरे पास बोलने को कुछ रह नहीं गया था। सब कुछ तो अरुण जानता था, हर चीज से वाकिफ था। मैं खामोश रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तब अरुण बोला, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल सकती हो। मैं बहुत शर्मिंदा थी, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। मैंने सामने से कहा कि नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने मेरी इज्जत बचाई, वरना सच में विकास मुझे किसी और के हाथों बेच देता।
मैं हमेशा इस आस पर जी रही थी कि शायद विकास सुधर जाएगा, मगर ये उम्मीद भी खत्म हो गई है। विकास कभी नहीं सुधरने वाला। आज तुमने मुझे बचा लिया। अगर मैं इसके पास वापस जाऊंगी तब भी वह किसी और के हाथों में मुझे बेच देगा, इसलिए मैं विकास के पास वापस नहीं जाना चाहती और अपने माँ बाप के पास वापस जाऊंगी। मेरी आंखों में आंसू थे, मेरे कदम रुक गए थे। अब उनमें वे हकड़ नहीं थी। मेरा सारा गुरूर खत्म हो गया था। मैं निडाल हो चुकी थी। कदम उठाते मैं गाड़ी की तरफ बढ़ी। राहुल ने ड्राइवर के साथ मुझे अपने माँ बाप के पास भेज दिया। मैं समझ गई थी राहुल मेरे साथ हमदर्दी तो कर सकते हैं, लेकिन वह मुझसे शादी नहीं करेगा। इसकी मोहब्बत भी वक्त के साथ खत्म हो गई थी। अब अरुण की मंगनी हो चुकी थी और बहुत जल्दी इसकी शादी होने वाली थी। मैं इसकी खुशियों के बीच नहीं आना चाहती थी। जब वे हम मुझे पसंद करता था और मुझसे शादी करना चाहता था, तो उस वक्त मैंने अरुण को नहीं विकास को चुना था। अब इसकी नजर में मेरी पहले वाली इज्जत शायद नहीं रही थी। हम अगर जाते हुए जब मैंने पलटकर अरुण की तरफ देखा, तो आज मुझे इसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर आई थी। तभी उसने मुझसे नजरें चुरा ली थी। शायद अभी इसके दिल के किसी कोने में मेरे लिए मोहब्बत थी, इसे मेरी फिक्र थी। तभी मुझे विकास से बचाया। इसका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाली थी। मैंने अरुण जैसे सच्ची मोहब्बत करने वाले इंसान का दिल दुखाया था। सजा तो मुझे मिलनी थी। मैं अपने माँ बाप के घर वापस आ गई थी और उनको सारी हकीकत बता दी थी। वैसे तो वे सब पहले से ही जानते थे कि विकास को जुए की लत लग गई थी और वह हर चीज बेच रहा था। मेरे भाइयों ने और मेरे बाप ने मुझसे कहा था कि तुम घर वापस आ जाओ, विकास का भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन उस वक्त मैं इस आस पर जी रही थी कि शायद विकास सुधर जाए, मगर यह मेरी भूल थी। विकास सुधरने वालों में से नहीं था। अब न जाने जिंदगी मुझे कहां ले जाती। विकास से मैंने तलाक ले ली थी। मेरे घर वाले मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते थे, मगर अभी मैं दूसरी शादी के हित में नहीं थी। मैं अपने पुराने फैसलों पर गौर करना चाहती थी। विकास और अरुण दोनों मेरे लिए याद बनकर रह जाएंगे। दोनों मेरी जिंदगी में बहुत अहम किरदार करते थे, मगर ये याद ये था जो वो बहुत बुरा था, तकलीफ भरा था। विकास का पैसा देखकर मैंने अरुण से शादी नहीं की थी, लेकिन इसने सारा पैसा अपने हाथों से गवा दिया था, क्योंकि इसको पैसे विरासत में मिला था। इसे किसी किस्म की मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी। इसे कदर नहीं थी। गलत मोहब्बत में आकर इसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपना घर तबाह कर दिया, माँ बाप को आखिरी वक्त में दुख दिया। जबकि अरुण मेहनती लड़का था, इसने अपने बलबूते पर सब हासिल किया था। इसे पैसे की कदर थी। जो इंसान मेहनत से सब हासिल करता है, उसे हर चीज की कदर होती है। इंसान की पहचान इसके पैसे से नहीं होती, इसकी मेहनत, लगन और जज्बे से होती है। अगर इंसान में ये सब हो, तो उसे कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। कामयाबी इसके कदम चूमती है। हमारा एक गलत फैसला हमारी पूरी जिंदगी को तबाह करके रख सकता है। इसीलिए आपको सोच समझ कर कदम उठाने चाहिए, किसी भी गलत राह पर नहीं चलना चाहिए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।